दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, अभी हम लोग निकल चुके हैं देवरी मंदिर, सूर्य मंदिर और दशम फॉल विजिट करने के लिए। तो मैं आप सभी लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो में भी बिल्कुल बने रहिएगा, ताकि आप लोग को काफ़ी बेहतरीन लगने वाला है। क्योंकि आज हम लोग विजिट करने वाले हैं ना, सारे विद्यार्थी लोगों के साथ आज बेहतरीन तरीके से आज ब्लॉग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पे रुके हुए हैं, और देखिए हमारी बहन यहाँ पे सामने बैठी हुई है, और आज जो है काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। और उधर देखिए, उधर भाई लोग उधर है बैठे हुए, उधर देखिए मस्ती में है ना, पूरा मस्ती कर रहा है। तो इससे भी बढ़िया अभी मस्ती करने वाले हम लोग देवरी मंदिर, सूर्य मंदिर और दशम फॉल में। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको काफ़ी बेहतरीन लगने वाला है। सो चलिए हम लोग फिर देखते हैं और मिलते हैं कि कितना अच्छा वहाँ पे, जहाँ देवरी मंदिर है वहाँ पे दर्शन भी हम लोग करने प्रयास करेंगे, और सूर्य मंदिर में भी, और साथ ही दशम फॉल में घूमेंगे। चलिए मिलकर देखते हैं कि कैसा लगता है इसे। देवरी मंदिर के नज़दीक में है, और जिसमें हम लोग एक टोल गेट उसके पहले है, और उसी से हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। सो बहुत ही जल्द हम लोग पहुंचने वाले हैं देवरी मंदिर। हम लोग यहाँ पे देवरी मंदिर में यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं, और देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे गाड़ी वगैरह पूरा भीड़ लगा पड़ा है। और अभी मंदिर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे भी उम्मीद है, भरोसा है कि काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ होगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है। हम लोग चाह रहे थे, प्रयास ये कर रहे थे कि जल्दी आने का, लेकिन हो नहीं पाया, फिर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या चल, ठीक है ठीक है। ज्योति कुमारी और क्या क्या नाम है जी, निशा, सुमन और क्या नाम, दिव्या और कविता, क्या कविता, कविता। हम सभी लोग मिलकर अभी पूजा के लिए, वाओ इतनी सारी भीड़ यहाँ पे,